नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है पुखराज के ऊपर अगला एपिसोड। नॉर्थ में इसे पुखराज बोला जाता है, येलो सफायर, और इसे साउथ में पुष्पराज बोला जाता है। अब जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड दिए हैं 5-6, उसमें मैं आपको एक चीज़ आज नहीं बताने जा रहा हूँ जिसे हम पुखराज बोलते हैं। पुखराज और टोपाज, दे आर टोटली डिफरेंट। पहले आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि पुखराज एक अलग चीज़ है और टोपाज एक अलग चीज़ है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स, मोस्टली ज्वेलर्स, मोस्टली जो स्टोन्स का काम करते हैं, वो आपको टोपाज दे रहे हैं। ये लिखने में मैं आपको क्लियर कर दूं, टोपाज एक सिंपल पत्थर है, सफायर पीला नीलम जिसे बोलते हैं, यानी पुखराज नीलम और रूबी एक ही माइन से निकलते हैं। इसमें मैं आपको एक और चीज यहां पे बहुत क्लियर कर दूं, लैब, मैं लास्ट बोलता आ रहा हूं कंटिन्यूसली कि आप लैब लीजिए, लैब साथ में होनी चाहिए, लेकिन लोग इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है। नहीं जी, हमारे रिश्तेदार हैं, नहीं जी हम इनसे ले रहे हैं, हम उनसे ले रहे हैं, तो चीटिंग हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं कि पुखराज वह पुष्पराज, इसका रंग लेमन कलर का होता है, पीले रंग का होता है, डार्क पीला होता है, ये तीन कलर इसमें पाए जाते हैं। अब जो लेमन है उसके रिजल्ट्स कुछ अलग हैं, जो कम पीला है या ज्यादा पीला है उसके रिजल्ट्स कुछ अलग हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो माय नंबर इज 9876726492, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अब हम बात कर रहे हैं कि आप पर्सनली भी आके मेरे से मिल सकते हैं, फ़ोन पे समय लेके फ़ोन पे भी मेरे से डिटेल में बात कर सकते हैं। जिसमें मैंने बताया है कि जो पुखराज है इसको धारण करने में दिन इसका वीरवार है, जो इसका धातु है वह है गोल्ड। लोग बार बार कॉल कर रहे हैं कि रमन जी इसे हम पंच धातु में डाल लें, रमन जी इसे हम चांदी में डाल, ऐसा नहीं है। हर एक स्टोन का एक मेटल है, उस मेटल के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसको पूजा करवा के शुद्ध करवा के ही पहनिएगा, क्योंकि ये देव गुरु बृहस्पति का पत्थर है, देवताओं के गुरु बृहस्पति। अब ये समझिए कि अगर आपको ये सूट कर जाता है, अगर ये आपके लिए ही है चार्ट के अनुसार, तो सभी देवती देवी और देवताओं की कृपा आपके ऊपर आने शुरू हो जाती है। बात कर रहे हैं पुखराज की, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, बॉडी वेट आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग इसका वजन पता लगता है कि आपने इसे कितने रत्तियों में डालना है या इसका वजन क्या होना चाहिए। तो बहुत जल्द मैं आपको एक नए एपिसोड में नई जानकारी दूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।